हेलो दोस्तों, देश दुनिया के विजन चैनल में आपका स्वागत है। मैं राजेश, आज हम आपको बताने वाले हैं जीके क्वेश्चन, जो कि ज्योग्राफी का है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, सरसों की मिश्रित खेती किसके साथ होती है? सरसों की मिश्रित खेती किसके साथ होती है? ऑप्शन है, सूरजमुखी के साथ, मटर के साथ, मक्का के साथ, गेहूं के साथ। इसका सही आंसर हो जाएगा, सरसों की खेती जो है गेहूं के साथ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एक खरीफ फसल नहीं है? ऑप्शन है, ज्वार, बाजरा, चना, मक्का। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, चना जो है खरीफ फसल नहीं है। ज्वार, बाजरा, मक्का की फसल जो है खरीफ फसल है, बट चना रबी फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन रबी फसल है, रबी फसल नहीं है? नीचे ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से कौन सा रबी फसल नहीं है? ऑप्शन है, गेहूं, ज्वार, सरसों, मसूर। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, ज्वार। गेहूं, सरसों और मसूर ये जो है रबी फसल है, लेकिन ज्वार जो है खरीफ फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरीफ की फसल कौन सी नहीं है? ऑप्शन है, मूंगफली, मक्का, बाजरा, सरसों। इसका सही आंसर हो जाएगा, सरसों जो है खरीफ की फसल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गन्ने की खेती किसका एक उदाहरण है? भारत में गन्ने की खेती किसका एक उदाहरण है? ऑप्शन है, रोपण कृषि का, स्थानांतरित कृषि का, सिंचित कृषि का, यांत्रिक कृषि का। इसका सही आंसर हो जाएगा रोपण कृषि का। रोपण विधि द्वारा गन्ने की खेती की जाती है, जो गन्ना होता है उसको काट के जमीन में रोपा जाता है, फिर उससे उसका पौधा निकलता है। पिछले क्लास में हमने आपको यह क्वेश्चन दिया था, गन्ने का अधिकतम उत्पादन करने वाला प्रदेश कौन है? गन्ने का अधिकतम उत्पादन करने वाला प्रदेश कौन है? इसका आंसर है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, बिहार। इसका सही आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गन्ना की उत्पादन होता है। ये जो है 2011 और 2011 और 12 के गन्ने की सबसे, इसमें आंकड़ा निकाला गया था, सबसे ज़्यादा गन्ने की खेती होती है वो तीन राज्य है, वो हम आपको बताते हैं। पहला राज्य है उत्तर प्रदेश, यहाँ पे सबसे ज़्यादा खेती होती है। ये कितना प्रतिशत होता है? 36.02% होता है, ठीक। और उसके बाद आता है महाराष्ट्र, ये दूसरे नंबर पे आता है, यहाँ पे कितना होता है? 22.89%, ठीक। और उसके बाद आता है तमिलनाडु, तीसरे नंबर पे आता है तमिलनाडु, तमिलनाडु में कितना होता है? 10.98%, ठीक, 10.98%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये था कल का क्वेश्चन जो हमने आपको दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जो है परिकल्प होता है, भारत में जो है ईख कितने महीने में परिकल्प होता है? ऑप्शन है, 5, 3, 7 और 12 महीने, ठीक। ये जो है भारत, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 12 महीने, ये टोटल 1 साल लग जाता है। भारत में जो है ईख का फसल उत्तर भारत में 10 से 12 महीने में, उत्तर भारत में जो है 10 से 12 महीने में, और दक्षिण भारत में जो है, ये जो है उत्तर भारत में 10 से 12 महीने, और दक्षिण भारत में कितना टाइम लगता है इसको? 12 से 16 महीने में, 12 से 16 महीने में दक्षिण भारत में परिकल्प होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? कर्नाटक का मायने क्या है? इसका जो है लहरदार भूमि, समतल भूमि, उच्च भूमि, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा, ये उच्च भूमि के लिए माना जाता है, कर्नाटक शब्द जो है उच्च भूमि के लिए माना जाता है, उच्च भूमि के लिए कर्नाटक शब्द का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंह जिराफ बाइसन
जैसे जानवर कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन है पर्णपाती वन में, घास स्थल में, मरुभूमि में, शंकु वृक्षी वन में। इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, पर्णपाती वन में। ये जो है सिंह, जिराफ, वायरस जैसे जानवर जो है पर्णपाती वन में पाए जाते हैं। इन वनों में जो है इसके लिए उपयुक्त परिस्थितियां पाई जाती है, मतलब उसके रहने लायक सभी माहौल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशा फसलें जो है निम्न में से कौन सी है? ऑप्शन है जूट, गन्ना, अलसी, कपास, मक्का, तंबाकू। कपास, सन, जूट। सन, कपास, मक्का। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, सन, कपास, सन और जूट। ये जो है ऊपर दिए गए फसलों में से रेशे वाली फसल में जो है कपास, सन तथा जूट है, जिनके रेशों से कपड़े, जूट एवं रस्सियां का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य कौन है? भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य कौन है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। इसका सही आंध्र प्रदेश है, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी फसल मृदा में जल लवणता सहनशील है, यानी वाटर सेलिनिटी है, जिसमें जल लवणता को बोलते हैं वाटर सेलिनिटी। कौन सा फसल है जिसमें वाटर सेलिनिटी है? ठीक, ऑप्शन है डेट पॉम, खजूर, पात गोभी, संतरा, अंगूर। इसका सही आंसर हो जाएगा डेट पॉम। डेट पॉम जो है यानी खजूर, ये जो है मृदा में जल लवणता यानी वाटर सेलिनिटी सहनशीलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? गुजरात को लेकर के कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन है यह जो है तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक है, यह जो है मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है, यह नमक का सबसे बड़ा उत्पादक है, दूध उत्पादकों का सबसे बड़ा उत्पादक है। इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक है। यह जो है तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है तंबाकू का अगर बोला जाए तो सबसे बड़ा उत्पादक जो है आंध्र प्रदेश है, लेकिन मूंगफली, नमक और दूध उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य गुजरात है। यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, नहीं है। गुजरात के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये कथन सही नहीं है, यानी आपको ये याद नहीं रखना है, आपको ये याद रखना है कि गुजरात के विषय में जो है मूंगफली नमक और दूध के उत्पादन में जो है सबसे बड़ा योगदान है। ठीक, सबसे बड़ा उत्पादक, सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक तंबाकू उत्पादन करने वाले दो राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और गुजरात। इसका सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश और गुजरात, इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य तंबाकू की खेती के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा राज्य तंबाकू की खेती के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल, केरल और तमिलनाडु। इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, आंध्र प्रदेश और गुजरात। ये जो है आंध्र प्रदेश और गुजरात राज्य जो है तंबाकू की खेती के लिए प्रसिद्ध है, और ये जो है 2011-12 में ये दोनों राज्य जो है ज़्यादा उत्पादन किया था, 281 टन किया था दोनों इंडिविजुअली, 281 टन आंध्र प्रदेश और 281 टन गुजरात किया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस तिलहन पौधे का नाम बताइए जो भारत में बहुत बड़े पैमाने पर उगाई जाती है। ऑप्शन है तोरिया, राई, मूंगफली, अलसी। इसका सही आंसर हो जाएगा पहला,
इसका सही आंसर हो जाएगा पहला तोरिया, सॉरी सॉरी, इसका सही आंसर हो जाएगा पहला तोरिया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले इसको थोड़ा और जानकारी देते हैं इसके बारे में। तोरिया जो है, तोरिया यानी सरसों भी बोलते हैं इसको, सरसों की कैसे जो है भारत में सबसे व्यापक क्षेत्र में पाई जाती है, और ये जो है दूसरे स्थान पर किसका खेती होता है, दूसरे स्थान पर है मूंगफली, मूंगफली जो है मूंगफली का दूसरा स्थान है, पहला स्थान ये इसका है और दूसरा जो है मूंगफली का है, इसका ये ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दालचीनी पेड़ के लिए किस भाग में एकत्र की जाती है, दालचीनी पेड़ के किस भाग में एकत्र की जाती है, ऑप्शन है पत्ते, तना, जड़, छाल, इसका सही आंसर है डी, छाल, दालचीनी पेड़ की छाल से एकत्र की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पेड़ से हम कुन्नैन प्राप्त करते हैं, ऑप्शन है यूकेलिप्टस पेड़, किनफोना पेड़, नीम पेड़, सिकोया पेड़, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, सिनकोना पेड़, कुन्नेर जो है, कुन्नेर सिनकोना वृक्ष से प्राप्त किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गुलाब का पेड़, भारत में जो है बड़े पैमाने पर उत्पादन कहाँ होता है, भारत में जो है गुलाब का बड़े पैमाने पर उत्पादन कहाँ होता है, ऑप्शन है कश्मीर के अनंतनाग में, दिल्ली के आसपास, अजमेर की पुष्कर घाटी में, और इसमें ये सभी होगा ऑप्शन सही, इसका सही आंसर हो जाएगा सी, अजमेर की पुष्कर घाटी में, भारत में जो है गुलाब का बड़े पैमाने पर उत्पादन जो है अजमेर की पुष्कर घाटी में किया जाता है, कश्मीर के कुछ भागों तथा दिल्ली के आसपास भी कुछ मात्रा में गुलाब उत्पादित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक में नारियल के पेड़ अधिकतम होने वाला जिला कौन सा है, कर्नाटक में नारियल के पेड़ अधिकतम होने वाला जिला कौन सा है, ऑप्शन है दक्षिण कन्नड़, चित्रदुर्ग, हासन, तुमकुर, इसका सही आंसर हो जाएगा डी, तुमकुर इसका सही आंसर होगा, डी ऑप्शन इसका सही है। इसके बारे में थोड़ा हम जानकारी ले लेते हैं, तुमकुर में उत्पादन कितना होता है, टोटल जो है जमीन है हेक्टेयर में 142,880 हेक्टेयर में कितना लाख टन होता है, ये जो है 13,495.86 लाख टन होता है, और उसके बाद जो है हासन में जो है 62,575 हेक्टेयर जमीन में कितना होता है 6,221.56 लाख टन होता है। ठीक, चित्रदुर्ग में कितना जमीन है, यहाँ 42,531 हेक्टेयर भूमि पे ये जो है 57,712.48 लाख टन, और दक्षिण कन्नड़ में जो है 16,077 हेक्टेयर जमीन पे कितना होता है 2,156.49 लाख नट। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए सबसे पहले, और नीचे कमेंट करके हमको ज़रूर बताइए, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे अपकमिंग वीडियो के लिए। और कल के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, आपको होमवर्क देता हूँ, आप करके हमको नीचे कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है, कॉफ़ी किस क्षेत्र का पौधा है, मैं रिपीट करता हूँ, कॉफ़ी जो है किस क्षेत्र का पौधा है, ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय झाड़ीदार, शीतोष्णकटिबंधीय, ये दोनों हो जाएगा,
और चौथा ऑप्शन है कोई भी नहीं। इसका आंसर मुझे कल देना है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।